हूँ जो मोस्ट क्रिएटिव माइंड्स होते हैं वो अकेले होते हैं, तो घबराना नहीं कभी आपको लगे कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं देता, मेरे साथ थड़ी पे चाय पीने कोई नहीं आता, मेरे साथ बैठ के कोई पढ़ाई नहीं करता, मैं अकेला रहता हूँ, एग्जाम में भी कोई मेरे साथ नहीं बैठता। याद रखना जो अलग है वही अकेला है। मुझे याद है जो बिल गेट्स का था, जो मैंने आज ही पढ़ा है, बिल गेट्स ने एक स्टेटमेंट लिखा, बड़ा प्यारा स्टेटमेंट था और उसको देख के बड़ा खुश हुआ। उसने लिखा कि कभी भी बेवकूफों को, नर्ड, नर्ड जानते हो, नर्ड नर्ड जिसको हम लोग जो अकेला होता है ना सारा दिन, जिसको हम लोग देख के बोलते रहे तो बेवकूफ, ही इज अ नर्ड, कभी भी बेवकूफों को आप हल्के भी मत लेना, क्योंकि किसी दिन आप उसी बेवकूफ के अंडर काम कर रहे होंगे। एब्सोल्युटली, ये बात तो बिल्कुल सही है। और नर्डी पीपल एक्चुअली क्या होते हैं, वो अकेले भी होते हैं। सो लोनलीनेस ना कई लोगों के लिए ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि जब आप अकेले बैठते हो ना, जो आपके साथ कोई नहीं होता, तो आपके माइंड में क्रिएटिविटी ज्यादा आती है। तो इसीलिए जो लोनलीनेस से फियर रखते हैं उनको मैं डायलॉग देता हूँ, सिंपल तरीका है, अपने आप पे विश्वास रखे, एक ही बात बोलने का, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता।